अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद उज़्मा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चिकन करी की रेसिपी। तो जल्दी जल्दी बनाएंगे हम। तो यहाँ मैंने देखिए ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने डाल दी है 5 मीडियम साइज़ की अनियन, जिसे मैंने पतला पतला स्लाइसेस में कट कर लिया था। और देखिए इस तरह से मैंने इसे ब्राउन कर लिया है। और ब्राउन करके मैं इसे निकाल लूँगी ऑयल में से। और ये इतना टेस्टी इतना मज़ेदार बनता है ना, ये बहुत ही आसानी से बहुत ही शानदार चिकन करी की रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको। और देखिए यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 1/2 टीस्पून है ज़ीरा। इसको हम चटकने देंगे और जब ये चटक जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम भूनेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और ये मैंने डाला है 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और ये सारे मसाले हम करेंगे मिक्स। और हमारे मसाले देखिए अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसमें 1 बाउल भर के दही का ऐड कर दूंगी। और दही ये जो है ना, ये खट्टा दही नहीं है, ये ताज़ी दही है और अच्छा दही है। ये ज़्यादा खट्टा नहीं है, खट्टा ज़्यादा होगा तो ग्रेवी का टेस्ट ना ख़राब हो जाएगा। और देखिए हमें ग्रेवी को बहुत अच्छे से भूनना है बिना पानी डाले। और जब हमारी ग्रेवी दानेदार हो गई तो मैंने इसमें ये 1 kg चिकन है, मैंने इसमें चिकन को धो के वॉश करके रख लिया था। और देखिए जब इसका सारा पानी निकल गया था स्ट्रेनर में से तो मैंने इसे मसाले में ऐड कर दिया। और हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, ऐसे ही पकाएंगे क्योंकि हमारा चिकन जो है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा। देखिए मैंने इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं ऐड किया है और ये देखिए कितना पानी इसने रिलीज़ किया है। और ये अपने ही पानी में पकेगा, हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये ओवर कुक होगा, इसलिए हमें पानी ऐड नहीं करना है। और हम इसे भूनेंगे। अब देखिए बहुत थोड़ी सी इसमें तरी रह गई है, भुनाई पे आ गया है। तो जो ब्राउन प्याज मैंने की थी उसको मैंने ऐसे ही बिना पानी डाले पीसा था और उसे इस जो थोड़ी सी हमारी ग्रेवी जो रह गई थी ना, पानी इसका रह गया था, उसमें ही मैंने ऐड कर दिया। और देखिए अब मैं करूँगी इसकी मज़ेदार सी भुनाई। कितना मज़ेदार टेस्टी हमारा लग रहा है चिकन करी। और देखिए यहाँ मैं डालूँगी 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला। ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बहुत कम मसालों के साथ बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार सी टेस्टी यमी हमारी चिकन करी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी भुनाई। और देखिए आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह से भुना हुआ खाना चाहें तो भुना हुआ खाएं। और देखिए हमारी जो चिकन की बोटी है वो भी टेंडर हो चुकी है। अब जिसमें हमने प्याज को पीसा था उसी बर्तन में हम पानी लेकर इसमें हम ग्रेवी तरी लगाएंगे। और मुझे कुछ नमक कम लगा था तो यहाँ मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। अगर आप भुना हुआ खाना चाहें तो तरी ऐड ना करें, पानी ना लगाएं इसमें। और अगर आप खाना चाहते हैं तो तरी के हिसाब से पानी डाल दें। अब देखिए हमारा चिकन करी मज़ेदार सा टेस्टी तैयार हो चुका है। इसे हमने कर लिया है डिश आउट। देखिए कितना टेम्प्टिंग मज़ेदार और डिलीशियस ये लग रहा है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ।